In this class, I would like to tell you about what he about Dr. Samuel Johnson और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन क्यों सिग्निफिकेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उनको मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो शेयर होना चाहिए। तो उसे आप एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो लेट मी नो। से पहला और फॉरमोस्ट जो पॉइंट है वो ये है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन JOHNSON डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, सबसे पहला चीज की ये किस एज से बिलोंग करते हैं, ही बिलोंग्स टू एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ही बिलोंग्स टू BELONGS, ही बिलोंग्स टू एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब जो है 1745 से लेकर 1785। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जिस एज से बिलोंग करते हैं उस एज का नाम है एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि he belongs to age of sensibility. And what is the date of age of sensibility from 1745 to 1785? और इसी एज ऑफ सेंसिबिलिटी को हम एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं। We also call this age as एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और एज ऑफ इनलाइटमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो नया चीज है एज ऑफ इनलाइटमेंट, LIGHTMENT. Remember that we also call this age as age of Dr. Samuel Johnson or age of enlightenment. अगर कोई आदमी ये पूछता है कि age of Dr. Samuel Johnson, तो समझ में आता है कि Dr. Samuel Johnson के नाम पर उसका नाम क्या रखा गया, age Dr. Samuel Johnson. लेकिन इसको age of enlightenment क्यों कहा जाता है, यह एक important point है। We also call this age as age of Dr. Samuel Johnson. हम इस एज को एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से जानते हैं, और एज ऑफ इनलाइटमेंट या हम इसको एज ऑफ इनलाइटमेंट के नाम से जानते हैं। सवाल ये उठता है कि इसको एज ऑफ इनलाइटमेंट क्यों कहा जाता है, व्हाट वाज द रीजन। ये तो हमें पता है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वॉज द प्रोमिनेंट प्रोज राइटर, वो प्रोमिनेंट प्रोज राइटर से इस वजह से इसको एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहा गया। लेकिन इसको एज ऑफ इनलाइटमेंट क्यों कहा गया, एज ऑफ इनलाइटमेंट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पे नॉलेज को लेकर के, रीजन को लेकर के, और आप कह सकते हैं विट को लेकर के, जिसको आप बुद्धि कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, उसमें जो इजाफा होता है, जो बढ़ोतरी होती है, वह और कहीं किसी दूसरे एज में देखने को नहीं मिलती। खासकर आर्गुमेंट हुआ, रीजन हुआ, रेशन हुआ, नॉलेज हुआ, विजडम हुआ, तमाम वर्ड आप यूज कर सकते हैं। चूंकि अमूमन होता क्या है कि इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि एक रोशनी में, एक नई रोशनी देखने को मिलती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि ही इनलाइटेंड अस, मतलब उसने जो है अपनी ज्ञान की रोशनी से हमें प्रकाशमय कर दिया, इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट का मतलब। तो ये एक एज ऑफ इनलाइटमेंट है, और ये जो एज ऑफ इनलाइटमेंट है किस पर्सपेक्टिव में है, ये एज ऑफ इनलाइटमेंट इस पर्सपेक्टिव में है कि यह जो एज रहा है इसमें प्रोज के फील्ड में बहुत सारा काम हुआ, प्रोज के साथ साथ नॉवेल के फील्ड में बहुत सारा काम होता है, और उसमें काफी हद तक क्रेडिट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को दिया जाता है जिन्होंने काफी बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको पॉइंट बताया, केवल दो पॉइंट बताए हैं। एक तो पॉइंट मैंने बताया कि हम जिस बात को कवर कर रहे हैं वह कौन सा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन,
एज एन आथर नहीं, उनके एज को लेके थोड़ा बहुत बात कर रहे हैं कि ये बिलोंग्स टू टू द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी एक पॉइंट है, कब से कब तक? 1745 से 1785। अब 1745 में क्या हुआ था, अलेक्जेंडर पोप के मरने के बाद, क्योंकि अलेक्जेंडर पोप का जो एज रहा है वह एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप और अगस्टन एज के नाम से जाना जाता है। तो अलेक्जेंडर पोप के मरने के बाद जिस नए एज में हम प्रवेश करते हैं उस एज को एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा गया, या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहा गया, या एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा गया। अब तीसरा पॉइंट है कि इस एज में और क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला चीज की यह जो एज था क्या था, इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ प्रोज, इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ प्रोज, जी ओ एल डी ई एन, गोल्डन एज ऑफ प्रोज, प्रोज का यह गोल्डन एज था। चौथा पॉइंट, इट वॉज द गोल्डन एज ऑफ प्रोज। चौथा पॉइंट, इट वॉज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। प्रोज एंड रीजन का एज था। ये बात किसने कही थी, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही थी कि 18th century was an age of prose and reason. So what do you find? You find here कि it was the golden age of prose. एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता चल रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्डन एज ऑफ प्रोज कौन सा रहा, तो 18th सेंचुरी, स्पेशली एज ऑफ सेंसिबिलिटी, इट वॉज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। 18वीं शताब्दी को ये स्टेटमेंट किसने दिया है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया हुआ है। इस एज में अगर आप देखेंगे तो और कौन कौन सी चीजें आती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, That is the fifth point. The first English dictionary, published in 1755. अंग्रेजी की पहली इंग्लिश डिक्शनरी या उसकी पहली डिक्शनरी 1755 ईस्वी में पब्लिश होती है। एंड द क्रेडिट गोज टू हू, द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को क्रेडिट दिया जाता है। तो द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी पब्लिश्ड इन 1755 या 1755 ईस्वी में पब्लिश होता है, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि when you find कि the first English dictionary published in 1755, तो एक और पॉइंट आता है, वह कौन सा पॉइंट होता है, वह ये पॉइंट है कि ये जो इंग्लिश डिक्शनरी रही है जो 1755 ईस्वी में आई हुई है, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस रहा है। उसका इम्पोर्टेंस क्या रहा, नए शब्द, नई चीजें, और जो आप कह सकते हैं कि कंपाइलेशन ऑफ तमाम वर्ड्स को लेकर के ये रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जर्नल्स का, मैगजीन्स का जो दौर था, जो एज था, वो तो पहले से ही रहा था, लेकिन एक छठा पॉइंट था कि इट वॉज एन एज ऑफ जर्नल्स एंड मैगजीन्स, JOURNALS, जर्नल्स एंड मैगजीन्स, MAGAZINES। और देखेंगे कि जब आप ये कहते हैं इट वॉज आई नीड ऑफ जर्नल्स एंड मैगजीन्स, तो जर्नल्स और मैगजीन्स में दो जर्नल आपको नाम ध्यान में रखना है। एक का नाम था द आइडलर और दूसरे का नाम था द
arrive cooler. The idler and the rattler. ये दो तरह के जर्नल जो है, द आइडलर एंड द रैटलर, वी फाइंड. और ये बहुत सिग्निफिकेंट जर्नल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल था कि द आइडलर एंड द रैटलर, दीज टू जर्नल्स वी फाइंड. और इसका जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ये दोनों जर्नल द आइडलर एंड द रैम्बलर, टू जर्नल्स JOURNALS, टू जर्नल्स वर रिलीज्ड बाय, दिस इज रिलीज्ड, थोड़ा सा RELEASED, अगेन वही समस्या. Were released, RELEASED, released. किसके द्वारा? Released by Dr. Samuel Johnson. Released by Dr. Samuel Johnson. JOHNSON. Here I would like to tell you. वो कौन सा पॉइंट है कि जब आप बात करते हैं इस एज को, तो इस एज के ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि द आइडलर और द रैम्बलर ये क्या है, ये टू जर्नल्स है. इसको रिलीज किसने किया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया हुआ है. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एक इम्पॉर्टेंट एसे है जिसका नाम है 8th पॉइंट, एंड A letter to Chesterfield. A letter, हो सकता है कि ये सिलेबस में हमारे यहाँ हो. A letter to Chesterfield. CHESTERFIELD. A letter to Chesterfield is a well known essay. Is a well-known essay of Johnson. In which he tells about in which he tells about the nature of Patton who did not help him when he was in crisis. This is another important point. You can just understand कि कितना important point है कि ये जो essay है, इस essay में जो अभी मैंने बताया कि एक उनका बहुत important essay, और उस essay का क्या नाम है, A Letter to Chesterfield. Chesterfield उनके पेटन का नाम था. उन्होंने एक एक अपने पेटन को एक लेटर लिखा, और पेटन का मतलब होता है संरक्षक, PATROR. इज अ वेल नोन एसे. ये क्या है? उनका वेल नोन एसे है. किसका है? ऑफ जॉनसन, मीन डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का. इन इट ही टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ पेटर्न, जिसमें उन्होंने किसका जिक्र किया है, नेचर ऑफ पेटर्न, जो कि जरूरत के समय उनकी सहायता नहीं की. हु डिड नॉट हेल्प हिम व्हेन ही वाज इन क्राइसिस. स्पेशली आप देखेंगे कि जब वो उनका वो चल रहा था, जब वो इंग्लिश डिक्शनरी लिख रहे थे, तब उनको उनकी मदद की जरूरत थी, लेकिन वो रेडी नहीं, उन्होंने मदद नहीं किया, वो रेडी नहीं हुए. तो उस समय की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो हालात है, वो उसका जिक्र करते हैं.
उसका बताते हैं कि किस तरह से जो है उनका वहां पे, अगर मैं वर्ड यूज करूं कि शोषण वहां के पेटर्न करते थे। इसके अलावा इसी एज का एक और खास करके एक पॉइंट आता है, वो है फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, जो नाइन्थ पॉइंट है। इसी एज में यू फाइंड वर्ड फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल, फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल। ये जो फोर व्हील्स ऑफ द नॉवेल रहे हैं, इसमें चार लोग आते हैं। एक तो सैमुअल रिचार्डसन, आर आई सी एच ए आर डी एस ओ एन, दूसरा टोबियस स्मॉलेट, एस एम ओ डबल एल ई डबल टी, तीसरा लॉरेंस ईस्टन, एल ए यू आर ई एन सी ई, लॉरेंस ईस्टन, चौथा हेनरी फील्डिंग। FIELDING नोट करके ये करना है कि जो इस समय यहाँ पे नावल आता है वो नावल कौन कौन सा था। नावल का जो रूप रहा है एपिस्टेलरी नावल, एपिस्टेलरी नावल, दूसरा इकोरिस्क नावल, सी ए आर ई एस क्यू यू, इकोरिस्क नावल। तो यू फाइंड दैट कि एक और पॉइंट है जो डिस्कस करने वाली चीज है, और वह कौन सा पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि इस समय एक और कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है फोर व्हील्स ऑफ द नावल। ये जो फोर व्हील्स ऑफ द नावल है, ये इसमें क्या क्या चीजें, चार नावलिस्ट आते हैं और उन्हीं चारों नावलिस्ट को फोर व्हील्स ऑफ द नावल की कैटेगरी में रखा गया। एक का नाम है सैमुअल रिचार्डसन, दूसरे का नाम है टोबियस स्मॉलेट, तीसरे का नाम है लॉरेंस ईस्टन, चौथे का नाम है हेनरी फील्डिंग, और इन जो लोगों ने लिखा उनमें से एक है एपिस्टेलरी नावल, दूसरे का नाम है पिकोरेस्क नावल। अगर आप और देखेंगे तो एक कंडीशन में और बांटा जा सकता है, थर्ड इज नावल ऑफ इंसिडेंट, नावल ऑफ इंसिडेंट, आई एन सी आई डी ए टी। फोर्थ इज नॉवेल ऑफ कैरेक्टर, नॉवेल ऑफ कैरेक्टर, सी एच आर सी एच ए आर ए सी टी ई आर, नॉवेल ऑफ इंसिडेंट, नॉवेल ऑफ कैरेक्टर। उस तरह की तमाम चीजें अगर आप देखेंगे कि उसमें रहा है, तो आप एक कैटेगरी ये भी देख सकते हैं जो वहां के नॉवेल में आपको देखने को मिलेगा। 11th पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इट वॉज एन एज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ ड्रामा, ड्रामा का डाउनफॉल है, डी ओ डब्ल्यू एन एफ ए डबल ए, डाउनफॉल ऑफ ड्रामा। इस एज में ड्रामा का कोई बहुत ऐसा नहीं था, बहुत पॉपुलर रहा हो। एक मैं लास्ट पॉइंट आज की क्लास का बताऊंगा, दैट इज द 12th पॉइंट, इट वॉज एन एज ऑफ सटायर आयरनी, एस ए टी आई आर, सटायर आयरनी, आई आर ओ एन वाई, विट, रीजन एंड रेशन, थर्टीन इट वॉज एन एज ऑफ क्रिटिसिज्म,
क्रिटिसिज्म का एज था, खास करके अगर आप देखेंगे कि प्रीफेस टू शेक्सपियर, प्रीफेस टू शेक्सपियर, SHAKESPAR, प्रीफेस टू शेक्सपियर, अ क्रिटिकल एसे रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, शेक्सपियर्स PEARS, शेक्सपियर्स ट्रेजिक कॉमेडी वाज एडमायर्ड, ट्रेजिक कॉमेडी वॉज एडमायर्ड. सो दीज पॉइंट्स यू फाइंड. अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, जहां से मैं आपको नहीं हाईलाइट कर पाया हूँ वहां से मैं बता रहा हूँ. नावल का इस समय एपिस्टेलरी नावल है, पिकरेस्क नावल है, नावल ऑफ इंसिडेंट है. नावल ऑफ इंसिडेंट का मतलब कि वह नावल जो घटना प्रधान है, जो घटना जिसमें इम्पोर्टेंस है. नावल ऑफ कैरेक्टर, वह नावल जो कैरेक्टर ओरिएंटेड है उसको नावल ऑफ कैरेक्टर कहा जाएगा. यह एक जो था डाउनफॉल ऑफ ड्रामा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. ड्रामा का लगातार डाउनफॉल होता है विक्टोरियन एज तक, यहीं से सिलसिला शुरू होता है और विक्टोरियन एज तक नावल ड्रामा का डाउनफॉल होता है. उसके पहले ड्रामा की शक्ल क्या थी, सेंटीमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटीमेंटल कॉमेडी, और इसके अलावा अगर आप देखें ये तो एक दूसरी भी शक्ल ड्रामा की देखने को मिलती है जिसमें हीरोइक ट्रेजेडी रहा, कॉमेडी ऑफ मैनर. उसके बाद ये कहता है इट वॉज आई एज ऑफ सटायर का एज था, आयरनी का एज था, विट का एज था, रीजन का एज था, एंड रेशन का एज था. इट वॉज आई एज ऑफ क्रिटिसिज्म का एज रहा. प्रीफेस टू शेक्सपियर अ क्रिटिकल एसे रहा है, किसके द्वारा, बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, उन्होंने लिखा था शेक्सपियर, और जिसमें जो है शेक्सपियर ट्रेजिक कॉमेडी, शेक्सपियर की ट्रेजिक कॉमेडी को एडमायर किया गया. तो अगर आप देखें किसी का किसी तरह से घुमा फिरा कर टीका क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको इतने पॉइंट्स में से मिल ही जाएगा या मिल जाएगा इंशाल्लाह जरूर. तो इतने सारे पॉइंट्स थे जो मुझे आज की क्लास में कवर करने थे, बट आई गॉट लेट एंड आई फील रिग्रेट, चूंकि हेलो सर.